मेरी मॉम आराधना, पापा सौरभ है। मेरा नाम आशीष है। मेरी उम्र अभी 20 साल है। मेरी मॉम आराधना और पापा सौरभ दोनों ही वर्किंग पर्सन है और एक ही फर्म में जॉब करते हैं। दोनों को जिम का बहुत शौक है और वो रेगुलर जिम और योगा करते हैं। मैं भी जिम जाता हूँ और फुटबॉल खेलता हूँ। हमारे घर में एक मेड आती है, उसका नाम संध्या है और उम्र 30 साल है। वो साफ सफाई, खाना बनाना और घर के अन्य दूसरे सभी काम करती है। वो सुबह 7 बजे मेरे घर आती है और दोपहर 2 बजे अपने घर वापस चली जाती है। मेरी मॉम उसे कुछ ज़्यादा ही पैसे देती है। वैसे संध्या भी एक अच्छे परिवार से है और ईमानदार भी बहुत है, इसलिए वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। हमारे प्यार के मामले में हमारी मेड संध्या हमारी पहली गुरु है। दरअसल संध्या बहुत ही अच्छी और भरोसे के लायक महिला है। उसका पति दारूबाज है, वो उसके साथ प्यार नहीं कर पाता है, लेकिन संध्या कभी किसी से सेटिंग नहीं की। उसका कारण उसका डर था कि वो बदनाम हो जाएगी, पर प्यार की भूखी औरत कब तक शर्म के पहलू में रह सकती है। इसी वजह से एक बार संध्या मेरी बॉडी देखकर बहक गई और मैं भी। उसकी स्किन का कलर तो साधारण ही था, लेकिन शरीर की खूबसूरती बड़ी मस्त थी। एक दिन मैं अपने रूम में था और अपनी बॉडी पर तेल मसाज कर रहा था। जब भी मैं अपनी बॉडी पर मसाज करता हूँ तो मेरे बॉडी में हीरो जैसा सिक्स पैक दिखने लगता है। तो उस दिन संध्या मेरा कमरा साफ कर चुकी थी, अब उसे पूरे घर की सफाई करनी थी। लेकिन न जाने किस काम की वजह से वो मेरे रूम में घुसी और मेरी बॉडी को पीछे से देखने लगी। मुझे जैसे ही किसी के होने का महसूस हुआ तो मैंने पलट कर देखा। उस समय मैं कक्षे में था। मैं संध्या के सामने इसी तरह खड़ा था और वो मुझे देखकर आंखें फाड़े और मुंह खोले ठगी सी खड़ी थी। मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी कुछ बोल पाता तभी संध्या मेरी तरफ बढ़ी और जब तक मैं कुछ समझ पाता और उसके आगे कुछ रिएक्ट कर पाता तब तक उसकी मदहोश आंखें मुझे ही देख रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब तक संध्या मेरे बॉडी से चिपक गई और अब मुझे अपने अंदर संध्या के शरीर की गर्मी महसूस होने लगा था। मुझे संध्या एक अप्सरा सी लग रही थी। मैंने संध्या के गाल पर चपत लगाते हुए कहा, रिलैक्स बेबी, आराम से लो। मैं भी धीरे धीरे उसे प्यार करने लगा। मैं उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता था। मैं उसे छुड़ा कर वहाँ से निकला और बाथरूम में भागा और मैंने हाँफते हुए शावर ऑन कर दिया। जब मैं बाहर आया तो देखा संध्या रूम में नहीं थी। मैं चुपचाप टीवी देखने लगा। करीब 12 बजे मुझे संध्या की आवाज़ आई, बाबा लंच रेडी है, आ जाओ। मुझे उसके सामने जाने में बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उसके सामने तो जाना ही था। मुझे डर भी था कि कहीं वो मेरी शिकायत मॉम डैड से ना कर दे। मैं सिर झुकाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और संध्या मुझे खाना परोसने लगी। मैं बोला, आई एम सॉरी, मैंने आपसे काफ़ी बुरा बर्ताव किया। संध्या बोली, पर मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे मज़ा आया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और चुपचाप खाना खाने लगा। बाद में मैं अपने रूम में आ गया और सोचने लगा। अगले दिन मैंने फीवर का बहाना बनाया और घर में ही रुक गया। मैं अपने रूम में संध्या का वेट करने लगा और जैसे ही वो सफाई के लिए रूम में आई तो मैंने उसे पकड़ लिया और उससे लिपट गया। उसने कुछ भी विरोध नहीं किया। संध्या बोली, आज मुझे टेस्ट करना है। इतना बोलकर वो मुझे प्यार करने लगी। फिर संध्या ने मुझे पीछे ढकेल कर बेड पर गिरा दिया। मुझे समझ नहीं आया कि पता नहीं अब क्या करेगी, लेकिन वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तसल्ली रखो बेबी, अभी और मज़ा आएगा।
मुझे कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन मजा आ रहा था। लेकिन अब तो मुझे संध्या ने इस नए अनुभव से रूबरू करवा दिया था। मुझे उसका ये खेल पसंद आया। संध्या हमेशा साड़ी पहनती थी, लेकिन उसने कहा किसी को गर्लफ्रेंड बना लो, वो हमसे ज़्यादा अच्छा होगी। मैं भी कहता तुम ही गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, तो वो बोलती कि मैं तो तुम्हारी फैमिली मेड हूँ, मुझ में अब क्या मजा बचा है। मैं अक्सर किचन में संध्या के साथ 20-25 मिनट तक होता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोटीन ड्रिंक, मैगी और आमलेट आदि खुद बनाने का शौक है। फिर एक दिन संडे को मैं, मॉम और डैड डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। संध्या से कुछ किए हुए मुझे 10 दिन हो गए थे। मुझे उस दिन वाला खेल करने का मन हुआ। मैंने बहाना बनाते हुए मॉम से बोला मुझे प्रोटीन ड्रिंक बनाना है। मॉम बोली संध्या बना देगी ना। मैं बोला नहीं, मैं बना लूँगा, संध्या खाना बना रही होगी। डैड बोले करने दो ना उसको, काम खुद भी तो कुछ करे। मॉम कुछ नहीं बोली। मैं किचन में आ गया, संध्या सब्जी काट रही थी। मैं प्रोटीन शेक बनाने का नाटक करने लगा और संध्या के पास जाकर बोला प्लीज। वो ना में सर हिलाते हुए मना करने लगी। मैंने उसको जब पकड़ा तो वो मना करने लगी, लेकिन मेरी पकड़ बहुत मजबूत थी जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। अब संध्या ने समर्पण कर दिया और मुझे सहयोग करने लगी। तभी बाहर से मॉम की आवाज़ आई, संध्या। संध्या बोली ओह मर गई, मैम को अभी आवाज़ लगानी थी, मैं अभी आती हूँ बाबा। वो बाहर चली गई। मेरा बुरा हाल था, लेकिन मुझे संध्या की इस बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा था। कुछ पल बाद वापस आते ही वो कुछ नहीं बोली। तभी डैड की आवाज़ आई, संध्या। संध्या बोली साहब को भी क्या चुल्ल हुई, अभी क्या टाइम है बुलाने का। मुझे हंसी आ गई। संध्या चली गई। कुछ देर बाद वापस आते ही बोली अब तुम अपनी संध्या का कमाल देखो। मुझे उसकी बात सुनकर पहले तो आश्चर्य हुआ, सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था। उसके बाद संध्या फटाफट खड़ी हो गई। वो बोली बाबा अब मैं जाऊँ। तभी मॉम की आवाज़ आई, संध्या तूने नाश्ता कर लिया? नहीं किया तो पहले कर ले। संध्या मुझे दबाते हुए बोली नहीं मैं, आज पेट भरा लग रहा है, मैं नाश्ता नहीं करूँगी। मॉम बोली क्यों, आज करके आई है क्या? संध्या बोली नहीं मैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। वो मेरे कान के पास आकर धीरे से बोली आज कुछ ज़्यादा ही मेरा तो पेट भर गया है, मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। तभी मेरे डैड ने कहा मॉर्निंग में पति ने कुछ खिला दिया होगा। संध्या बोली नहीं साहब आज मन नहीं है, अगर बाद में कुछ मन किया तो खा लूँगी। मैं वहाँ से निकल गया और बेडरूम में जाकर आराम करने लगा। आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, एक नया ही मज़ा मिला था। मॉम बोली संध्या क्या बात है, आज तुमने कुछ भी नहीं खाया, ऐसा करना तू टिफिन ले जाकर घर खा लेना। मैंने पूछा संध्या सब ठीक है ना? संध्या बोली आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। इसके बाद मैंने कॉलेज में एक लड़की को पटाया, क्योंकि मेरी गुरु संध्या ने एक बात कही थी, ये सच है जो बात गर्लफ्रेंड में वो बात संध्या में नहीं थी। पर संध्या से मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कुछ दिन बाद पता चला कि संध्या माँ बनने वाली है। वो भी खुश थी, मैं भी खुश था। धन्यवाद।